से कर अभी खेलना है। यहाँ पे हमारे पास दो फैमिली रेस्टोरेंट्स, एक बार एंड लाउंज और अब ये प्ले जोन ऐड हुआ है। सो नाउ इट मेक्स अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन कि आए आपके बच्चे एक सेफ हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहे, अच्छा हेल्दी फूड खाए। Guys, today I've come for the second time over here. My daughter is enjoying a lot and she's doing her activities. She has made this. और बैसाखी के लिए एक ढोलक और ये जो बनाया। आप क्या बना रहे हो? जम्मू में इससे बेहतर जगह आपके लिए और आपके बच्चों के लिए नहीं हो सकती, एक कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन। जम्मू कश्मीर में अपने किस्म का जो पहला फैमिली डेस्टिनेशन जो यहाँ पर लेकर आए हैं ये कॉन्सेप्ट मयंक है, इन्हीं से बात करते हैं। मयंक, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में ये कॉन्सेप्ट लाना है? सर, बच्चे आजकल ना एक बहुत बड़ी मार्केट हैं, एक बहुत बड़ी डिमांडिंग ऑडियंस है। पेरेंट्स अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं और उनको एक बहुत नया एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। मेरे अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो वहाँ से हमने देखा कि क्यों ना बच्चों के लिए स्पेसिफिक जगह बने। तभी टम्बल टाउन, जो हमारा एक चिल्ड्रन प्ले हाउस है, इसका आइडिया हमने सोचा एंड नाउ वी हैव एग्जीक्यूटेड इट। ये बुलेवार्ड 44 हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है छन्नी नेशनल हाईवे पे। यहाँ पे हमारे पास दो फैमिली रेस्टोरेंट्स, एक बार एंड लाउंज और अब ये प्ले जोन ऐड हुआ है। सो नाउ इट मेक्स अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन कि आए आपके बच्चे एक सेफ हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहे, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, बर्थडे पार्टीज हम होस्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स एट द सेम टाइम कहीं जाना चाहें छोड़ के जा सकते हैं और दे कैन एंजॉय इन बेलीज और इग्नाइट जो हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अभी भी बच्चे हैं। और एक और चीज़ है, आपके बच्चे यहाँ पर आते हैं, गेम खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, नई नई एक्टिविटीज़ इनकी तरफ से रोज़ करवाई जाती है और आज भी एक वर्कशॉप रखी गई है जो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। बेलीज हमारा एक मल्टी क्यूजीन फैमिली रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लेडीज़ किटीज एंड गेट टुगेदर्स प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पे कॉन्टिनेंटल, पैन एशियन, इंडियन सारी क्यूजीन्स अवेलेबल हैं। इग्नाइट हमारा बार एंड लाउंज है, तो अगर कोई कपल पार्टी करना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ आना चाहता है तो वो वहाँ इंजॉय करे एंड बच्चे यहाँ पीछे सेफ रहेंगे। टम्बल टाउन के बारे में बात करें तो दिस इज़ अ मल्टी यूटिलिटी वेंचर। यहाँ पे लर्निंग वर्कशॉप्स होंगी, आगे ड्रामा क्लासेस, एटिकेट्स क्लासेस, टेबल मैनर्स, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब क्लासेस के साथ हम प्ले टाइम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सर, ये जो फॉरेन में कॉन्सेप्ट होता था वो आप जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल सर, देखिए बच्चों को बेस्ट एक्सपोजर मिलना चाहिए, जगह से डिपेंड नहीं करता। आजकल हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है, सो अगर हम उनको इस राइट एज पे फन एंड लर्निंग इंटीग्रेट करके देंगे तो आई थिंक बच्चे बहुत आगे जाएंगे। सेफ्टी की बात की जाए, पेरेंट्स को ये भी रहता है कि सेफ्टी किस तरीके से रहेगी, क्या प्रोफेशनल्स हैं और खाने पीने का वहाँ पर क्या है? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रेन केयर टेकर्स हैं जो 11 AM टू 11 PM अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी ऐसा बीच में ब्रेक टाइम नहीं है जब केयर टेकर यहाँ ना हो। इन एडिशन टू दैट, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए हम स्पेशल लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में। जैसे आज एक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप है तो उसको स्पेशली कंडक्ट करने एक लेडी आए हुए हैं। सिमिलरली अलग अलग वर्कशॉप्स अलग लोग कंडक्ट करेंगे एंड वी हैव द कंप्लीट प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट हियर टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। साफ तौर पर बच्चों के लिए ही नहीं, पेरेंट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। पेरेंट आ रहे हैं तो अपने बच्चे भी लेकर आएँ, कोई भी घर पर नहीं रहेगा क्योंकि कई बार हमें ये रहता है कि बहुत दूर जाना है, वीकेंड्स का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, समय की भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप शाम को फ्री होते हैं तो तब बच्चों को लेकर आ जाइए, दिन में आप निकलना चाहते हैं तब आप यहाँ पर आ सकते हैं। बच्चे भी सेफ रहेंगे और आप भी खूब तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। गाइड बनाई मेरे दो फ्रेंड्स हैं, क्या नाम है? नाम है शरफ। ओके, तो आप कौन सी क्लास में? यूकेजी में। मजा आ रहा है यहाँ पर? सन, एक सर बनाया और एक ढोलक। अभी और कुछ खेलना भी खेलना है और मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा मैं भी मिलेगा।